शो प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आप जॉब करके अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब यदि आप कंपनी में जाके अपना काम सीखते हैं और चाहते हैं खुद का व्यवसाय स्टार्ट करना, तो आप अपना खुद का व्यवसाय भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो आप कंपनी देख पा रहे हैं उसका नाम है रेनू ब्रॉडबैंड। ये कंपनी कानपुर में है। रेनू ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करती है। रेनू ब्रॉडबैंड के आरजी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, आपने नाम सुना होगा कंपनी का। तो रेनू ब्रॉडबैंड पूरे कानपुर, यहाँ तक कि पूरे यूपी में जितने भी मैक्सिमम घर हैं वहाँ अपना इंटरनेट सप्लाई कर चुकी है और काफ़ी बड़ी कंपनी है। धीरे धीरे ये पूरे मार्केट में अपना प्रसार कर रही है। रेनू ब्रॉडबैंड भी कभी एक शुरुआत उसने किया था, उसने काम सीखा था और फिर अपना काम डाला और आज इस मुकाम पे है कि इनका जो टर्नओवर है वो करोड़ों का है। मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार अगर आप फाइबर फील्ड में जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा अवसर है। मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ अभी, मिस्टर पटेल जी हैं, जिन्होंने अपना एक व्यवसाय स्टार्ट किया है, एक अपनी कंपनी खोली है वर्टेक्स इंजीनियरिंग के नाम पे और वो BSNL का सारा काम करते हैं। तो मैं उस शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। आप उनको देखिए, उनसे सीखिए कि उन्होंने कैसे काम सीखा और किस प्रकार अपने काम को आगे बढ़ाया। आप भी कुछ भी सीखकर कुछ नया कर सकते हैं अगर आपके अंदर सीखने की ललक है। देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप कंपनी में जाते हैं तो शुरुआत में आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप काम सीख पाएंगे। यदि आप होटल खोलना चाह रहे हो तो पहले आपको किसी होटल में जाके काम करना होगा, वहाँ सीखना होगा, देखना होगा कि काम कैसे करना पड़ता है। आपको आटा भी गूंथना है, आपको चावल भी बनाना पड़ेगा, पनीर बनाना पड़ेगा, है ना, हर चीज़ सीखना पड़ेगा, तभी आप जाके एक अच्छा होटल चला सकते हो। क्योंकि आपको की पॉइंट पता होगा कि कैसे काम होता है। अगर आप अपने की पॉइंट को नहीं सीखोगे तो आपका वर्कर आपको हमेशा बेवकूफ़ बनाता रहेगा कि सर ऐसे नहीं होता, वैसे होता है। इसीलिए जब भी आप किसी काम को स्टार्ट करने चाहो तो पहले कहीं जाके उसके नॉलेज ले लो, पहले सीखो। और जब आप सीखने जाओगे तो बेशक सी बात है मेहनत पड़ेगा, लेकिन उस मेहनत से अगर आप डर गए तो आप कभी भी अपना कोई भी इंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो चलिए, मैं आपको मिस्टर पटेल से मिलवाता हूँ और आप उनको देखिए और सीखिए कि उन्होंने अपना काम कैसे स्टार्ट किया। फिर मैं आपको आगे कंपनी के बारे में बताऊंगा। हेलो बच्चों, मैं प्रमोद कुमार पांडे आज आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने जा रहा हूँ जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स में काफ़ी काम किया हुआ है और इनका जुड़ाव BSNL से भी है। तो मैं आपको बताऊंगा, बच्चे जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पता नहीं होता है और वो जॉब भी करना चाहते हैं, कुछ बच्चे वहाँ जाके घबराते भी हैं कि कैसा काम होगा। तो मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर थोड़ा सा मुझे फाइबर के बारे में बताइए कि फाइबर होता क्या है। फाइबर एक्चुअली होता है कि मैं बेसिकली इसका जो है फास्ट जो है नेटवर्किंग जो होती है, स्पीड जो होती है उसके ऊपर मेन है। वो हमारी जो फाइबर जो चलती है लाइट के प्रकाश के स्पीड के बराबर चलती है, जिससे हमको फाइबर लगाने से हमें स्पीड अच्छी मिलती है, हमारा नेट का जो है कार्य स्मूथली आसानी से होता है। कॉपर लाइन में ये सुविधा नहीं थी। सर यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जैसे रेनू ब्रॉडबैंड हो गया, डेन हो गया, तमाम है, तमाम बहुत सी कंपनी है जिसमें ये सब ये प्राइवेट है। इन्होंने एक ISP ले रखा है, जैसे किसी कंपनी बड़ी कंपनी से जैसे टाटा या BSNL या किसी को, BSNL से तो नहीं लिए, लोग टाटा से लिए बेसिकली जहाँ तक, वो उसी से अपना ये अपना चलाते हैं। इनका जो है केवल डाटा देते हैं बस, बाकी और इनका कोई उसमें नहीं है। अच्छा सर, जैसे हमारे बच्चे ITI के हैं जो कि फिटर से भी हैं, इलेक्ट्रिकल से भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से भी हैं, तो कौन कौन से ट्रेड के बच्चे आपके यहाँ फिजिबल हैं, कौन कौन से ट्रेड के बच्चे आपके यहाँ जा सकते हैं? इसमें किसी भी ट्रेड के बच्चे हों, बशर्ते उनको जब वहाँ पे आएंगे तो उनको सीखना पड़ेगा। कहीं भी किसी भी ट्रेड में जाएंगे आप, किसी भी फील्ड में जाएंगे, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब किसी भी ट्रेड के बच्चे वहाँ पे जाके जा कर सकते हैं, वैसा कोई वो नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्किल वैसे नहीं। हाँ, स्किल वहाँ पर जरूरत पड़ती है। जैसे जब हम फाइबर मान लीजिए हमको इस कमरे में 10 कनेक्शन लगाने हो, तो उसको पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सही अगर नहीं है तो आप नहीं चला पाएंगे।
यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के हैं या इलेक्ट्रिशियन के हैं या फिटर के भी हैं तो भी आप वहाँ जाके काम कर सकते हैं। ऐसा काम क्या रहता है, जैसे हमारे आईटी बच्चे कुछ अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं कंपनी में? काम तो बेसिकली देखिए मेन होता है, जैसे केबल डालना होता है, केबल को लेइंग करने के बाद उसको फिर जहाँ पे आपको पहुँचाना है वहाँ पहुँचाने के बाद फिर उसको ज्वाइंट करना होता है, जो फाइबर ऑप्टिकल फाइबर मशीन आती है, डिवाइस होती है, उसके उससे ज्वाइंट करना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है, वो चीज़ से आसानी से नहीं कंपनी आपको सिखाएगी। अच्छा, सीखने के बाद जैसे अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं बच्चे हमारे अलग अलग कंपनी में जाके जो इससे रिलेटेड हैं, तो क्या उनको आप जॉब का भी ऑफर करवाते हैं, जॉब उनको मिल सकती है? अगर वो करना चाहते हैं तो जॉब मिलती है, ऐसा नहीं कि जॉब तमाम बच्चे करते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बहुत मतलब आईटीआई वाले कर रहे हैं। अगर अपना स्वयं का बिजनेस चलना चाहेंगे तो बहुत फ़ायदा है, ऐसा नहीं, स्टार्टिंग आपको इनिशियल स्टेज में, अगर आप सोचे कि 10-20 कनेक्शन लगा के आप सोचे कि लखपति बन जाए तो नहीं बने, कम से कम मिनिमम 100 कनेक्शन, 100 कनेक्शन है तो आपको प्रॉफिट नज़र आएगा, 100 कनेक्शन से कम है तो आपको प्रॉफिट कुछ भी नहीं नज़र आएगा, मिल रहे हैं आपको जीरो है। अच्छा सर, बच्चे कुछ ये करते हैं कि फील्ड की जॉब जो होती है उसमें वो जा रहे हैं, उनसे ऐसे काम ले जाते हैं जो कि वो करना नहीं चाहते, कभी सीढ़ी पकड़वा के ले जाना, कभी गड्ढे खोदना, कभी गड्ढे ऐसा कुछ, जो ऑप्टिकल फाइबर का काम है उसमें गड्ढे नहीं खोदने पड़ते, केवल हो सकता है रिलायंस विलायंस वाले में सब हो उनका खोदते हो वो नहीं बता सकते, लेकिन BSNL में नहीं गड्ढा खोदते, गड्ढा खोद सीढ़ी तो जरूर ले जाना पड़ता है, सीढ़ी तो मस्ट, बिना सीढ़ी का फोर्ट पर कैसे चढ़ जाएंगे? अच्छा, मतलब थोड़ा सा हार्ड वर्क रहता है शुरुआत में, हार्ड वर्क रहता है, आपको सीखना पड़ेगा ना कोई चीज़, आप ये चीज़ बताइए, जब आप सॉफ्टवेयर के बारे में जानते नहीं, कन्फिगर आप कर नहीं सकते तो आपको किस लिए रखेगा आदमी, पहले आप बेसिक चीज़ सीखिए, बेसिक मतलब होता है कि जो आप फाइबर आप लेइंग हो रही है उसका प्रॉपर तरीका होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने लूज बांध दिया पता लग गाड़ी सांस में भी चले गए, आपको पर्सनल सावधानी सब कुछ बरतनी पड़ती है। तो सर अभी जैसे बच्चों को जो स्टाइपेंड कंपनी दे रहे हैं वो कितना रहता है लगभग? देखिए स्टार्टिंग में 7 से 7.5 हज़ार थे, 7.5 हज़ार तक, कुछ कंपनियाँ सर हमारे से भी कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने 9,000 तक ऑफर कर रही है आपको, जैसे रेनू, हाँ जैसे ब्रॉडबैंड है, देन भी 8,000 तक देती है, तो मतलब अच्छा खासा ऑफर है, जो बच्चे इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर के हैं या अदर ट्रेड के भी हैं जो फाइबर में काम सीखना चाहते हैं, है ना, फाइबर जैसी कंपनी में जाके काम सीखना चाहते हैं और सीख के अपना काम डालना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहद सुनहरा अवसर है ये, बहुत बेस्ट बेस्ट, इससे बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया मतलब अगर देखा जाए नेटवर्किंग के संबंध में, मतलब जो ये आने वाले समय में फाइबर ऑप्टिकल फाइबर जो है पहले से मतलब बहुत अच्छा रहेगा, जो पहले कॉपर था उसमें उतना वो नहीं था, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, हर चीज़ तो आपका ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा, चाहे डिश ले लीजिए कुछ भी ले लीजिए सब कुछ तो ऑप्टिकल फाइबर में है। चलिए ठीक है, तो मैं बच्चों से ये बताना चाहूँगा कि अभी मैंने रेन्यू ब्रॉडबैंड का सारा इन्फॉर्मेशन अभी डाला है, जो भी हमारे यहाँ रिसेंट में कंपनी आने वाली है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपने फिटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन से अपना आईटीआई कंप्लीट किया है तो आप एक बार जाके जरूर देखें, और आप अगर वहां से आते हैं तो हम लोग आपका बॉन्ड वगैरह जो भी है सारा क्रिएट कर देंगे। रेन्यू ब्रॉडबैंड आपको 9,000 रुपये दे रही है, इसी प्रकार 10 MBA भी है जो कि आपको अप्रेंटिसशिप या जॉब कराएगी, अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब भी कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं आप, फील्ड का काम होगा, बच्चों के पास बाइक भी होनी चाहिए, बाइक आपको ऑफिस तक पहुंचने के लिए चाहिए, अच्छा चाहिए, उसके बाद कंपनी लेती है, तो साइकिल से भी जो बहुत सारे बच्चों पास साइकिल, जैसे रेनू के पास उनके पास गाड़ियां बहुत हैं तो उनके पास अपना को अपने दे देते हैं, अच्छा वो गाड़ियां अगर अपनी गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल का पैसा आपको देंगे, अगर आपके पास बाइक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी इसके लिए, क्योंकि आप डायरेक्ट पहुँच नहीं सकते। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में तो बहुत अच्छा रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहा, लेकिन अब वो मेरा जो रेवेन्यू है वो करीब करीब हमको 3 साल हो गया इसमें करते हुए, मतलब फुल नहीं, उसके पहले मैं करता था BSNL का काम, थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग में मतलब किसी का एरिया का दे दिया थोड़ा सा 10 कनेक्शन डालना यहाँ आप डाल दीजिए वो कर, लेकिन अब हमारा फुल्ली है तो मेरा करीब 700 कनेक्शन पूरे कानपुर में। किस किस एरिया को आप कवर कर रहे हैं? हमारा एरिया है जैसे डिफेंस हो गया कि अरमापुर हो गया, फजलगंज हो गया, विजयनगर, शास्त्रीनगर, काकादेव, केशवपुरम और ये शारदा नगर, सर्वोदय नगर, ये पूरा एरिया। तो सर आपने भी पांडू नगर भी टेक्निकल आपने भी कुछ किया होगा? मैं डिप्लोमा हूँ, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, तो आपने पहले कहीं काम किया होगा, काम करने के बाद अपना स्टार्टअप किया होगा? नहीं, मैं तो स्टार्टिंग किया था यहाँ पे डी साथ मुकेश सिंह, उन्होंने हमको सिखाया था ले जाकर, मैंने एक बार बताया था उसके बाद सीख गया, तो मैं ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
अब मेन होता है जब हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे करते हैं ना, तब हमारा वहाँ पे एसपी की जरूरत पड़ती है कि हमको मान लीजिए आ गया है हमारी पावर आ रही है जैसे मान लीजिए -3 dB, तो उस एक पोर्ट पे 60 कनेक्शन चलाने होते हैं। अब 60 कनेक्शन को हमको कैसे डिवाइड करना है कि हम वो हमारे 60 कनेक्शन इस पोर्ट पे चल जाए। अगर आप वो नहीं आ जानते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, फिर पता लगा 10 में ही आपका पावर लॉस हो गया तो कहाँ से चला पाएंगे, फिर नहीं चला पाएंगे। और रही बात तो एक्सपीरियंस की, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और रेवेन्यू भी अच्छा खासा होता है। 3 लाख तीन लाख से कम नहीं है महीने का, अच्छे रेवेन्यू होता है इससे, महीने से 3 लाख से कम नहीं है, यह है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर आपने कितना समय दिया है यहाँ पे? अभी तो 3 साल हो गए। 3 साल में आपका 3 लाख, हाँ तो काफ़ी अच्छा है। अभी मैं आपको बता दूँ कि जितने भी घर हैं है ना, हर घर अपने यहाँ इंटरनेट कनेक्शन ले रहा है। लगभग अभी लगता है 20% लोग नहीं अपने घर में लगवाया होगा, 80% अभी ऐसे बढ़ते हैं। अभी 20% लोग यूज कर रहे हैं मैक्सिमम देखा जाए तो 20% है। ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसों में ही ज़्यादा यूज हो रहा है, घरों में तो लोग अपना मोबाइल से काम चला रहे हैं, मोबाइल से भी नहीं चल रहा। लेकिन होता क्या कि अब आज के ज़माने में नीड हो गई है कि एक बार खाना ना मिले नेट देखना, नेट मस्ट हो गया है। ये क्योंकि स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, स्मार्ट मोबाइल आ रहे हैं, तो सब चीज़ें तमाम चीज़ें पढ़ाई भी सब ऑनलाइन हो रही है, सब हर घर में नेट लगेगा तो काफ़ी अच्छा। अब आटा के साथ डाटा भी चाहिए लोगों को, आटा के साथ डाटा भी चाहिए। हाँ, आटा के साथ डाटा भी चाहिए, मस्त है। चलिए सर, बच्चों को मैं बताऊंगा आपके जो एक्सपीरियंस। देखिए इसमें बहुत अच्छा, ऐसा नहीं कि खराब है कोई भी फील्ड हो, आप अगर फील्ड में मन से का अगर काम करते तभी पता लगा आपने 10 कनेक्शन भी बताया हो, हमारे साथ जो दूर काम करते हैं उनको बताना पड़ता है हमको जाके। तो सर जो हमारे बच्चे अभी अगर प्लेसेस पे फाइबर का काम कर रहे हैं और उन्होंने सीखा भी है, तो आपसे मिलवाएंगे कि स्टार्टअप कैसे करें, है ना, थोड़ा उनको आप गाइड करिएगा। ठीक है, मैं आपको इसी प्रकार और वीडियो देता रहूँगा। जय हिंद। जैसा कि आपने देखा, मिस्टर पटेल जी ने अपनी पूरी जो उनका जर्नी थी, कैसे बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे फाइबर फील्ड में काम होता है, कैसे ब्रॉडबैंड फील्ड में काम हो रहा है, उनको कितना टर्नओवर हो रहा है। आपने सुना कि उनको लाखों का टर्नओवर इस समय है। अपना छोटा सा व्यवसाय उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने भी सिंपल सा ITI वगैरह किया था। तो मैं बता दूं कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपके पास ITI की या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो तो ही आप काम कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो non-ITI या आप हाई स्कूल या 8th है, आप नहीं पढ़े हैं तो भी अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेनू ब्रॉडबैंड में काम करना चाहते हैं तो एक एड्रेस दिया गया है, प्लॉट नंबर 6 MIG 3rd MIG 3rd दबौली वेस्ट गरियनपुरवा कानपुर उत्तर प्रदेश, पिन कोड है 2080-22। आप यहां जाके काम कर सकते हो। इस कंपनी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए दिखाता हूं आपको, रेनू ब्रॉडबैंड कानपुर में है, यहां 15 हेल्पर्स की रिक्वायरमेंट है और 15 हेल्पर्स के साथ साथ फाइबर ज्वाइंटिंग के ट्रेन स्टाफ की भी ज़रूरत है। मतलब अगर आप जाते हैं कंपनी में काम करने तो आप कुछ नहीं किए हैं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन नील है या 0 है या 8 तक है तो आपको हेल्पर बनाया जाएगा। तो आपको जहाँ भी फील्ड पे जाके काम करना पड़ेगा, सीढ़ी पकड़नी पड़ सकती है, वायर वगैरह खींचना पड़ सकता है, मतलब कोई भी काम अगर आप एज ए हेल्पर हैं तो आपको काम करना पड़ सकता है। अगर आप ट्रेंड हैं, अगर आपको नॉलेज है तो आपको फाइबर ज्वाइंटिंग की जॉब मिल सकती है। सैलरी आपको 8,000 से 15,000 रुपये तक मिलेगी एज पर आपका एक्सपीरियंस। जैसा आपके पास एक्सपीरियंस होगा उसी प्रकार आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, पूर्णिमा मैम का नंबर होगा। आप अगर एड्रेस पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो मैंने एड्रेस दिया है, अगर यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूर्णिमा मैम से बात भी कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पर आना है, कैसे आना है। लेकिन अगर आप एड्रेस डाल के कंपनी पहुँचना चाह रहे हैं तो आप सीधे पहले कंपनी पहुँचिए, वहाँ पे भी आपको पूरा HR सेक्शन मिलेगा, आपको पूरी सारी चीज़ें समझा दी जाएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है पूर्णिमा मैम का, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं आपको और वीडियो देता रहूँगा, कंपनियाँ बहुत सारी हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी जॉब जल्द लगे। चलिए अभी तक जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।